वेलकम दोस्तों। आज वीडियो में जानने वाले हैं सीएसआर के बारे में। अगर आप सीएसआर वायरिंग जान गए तो समझिए आप बहुत से काम आसानी से कर सकते रहेंगे। एयर कंडीशनर में सिंगल फेस एसी है, तो उसमें आप कोई सा भी एसी है उसका वायरिंग आप कर सकते रहेंगे सीएसआर वायरिंग, अगर आपको मालूम है तो। सीएसआर वायरिंग होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और किस तरह से वायरिंग कनेक्शन होता है, अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये वीडियो आप नए टेन से नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग भी जान सके, देख सके, सीख सके और अपना पैसा कमा सके। तो सीएसआर में सोचाता है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। ये कोई सा भी मोटर हो सभी में ये चीजें रहता है, ओनली बट सिंगल फेस में रहता है, थ्री फेस में नहीं रहता है। सीएसआर ओनली सिंगल फेस मोटर है, तो कोई सा भी मॉडल का हो उसमें सीएसआर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एसी मोटर में हो, डीसी में नहीं रहेगा, एसी मोटर में रहेगा, ये भी चीज माइंड में रखिएगा। सीएसआर कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, ये जब इस मोटर को कॉमन स्टार्ट रनिंग पावर जब मिलेगा तभी वो स्टार्ट होगा और वर्क करेगा। अगर तीनों में से कोई सा भी पावर वीक रहेगा, मोटर को एक पावर नहीं जाएगा तीनों में से, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या होता है प्रॉब्लम और क्या होता है वायरिंग, ये चीज हम समझते हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ये चेकिंग करने के लिए हम दूसरा पार्ट में जानेंगे। बट आपको मालूम है कौन से मोटर पे कौन से वायर पे कॉमन रहेगा, कौन से वायर पे स्टार्टिंग रहेगा, कौन से वायर पे रनिंग रहेगा। अगर ये चीज आपको मालूम है, मोटर में कोई सा मोटर हो सकता है, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, हम एयर कंडीशनर से फिर से हैं तो इसमें कंडेंसर मोटर हो जाता है और कंप्रेसर हो जाता है। कंप्रेसर जो रहता है उसके अंदर भी मोटर ही रहता है, वाइंडिंग रहता है, और वाइंडिंग जो रहता है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जनरेट होकर के मैकेनिकल सिस्टम में वर्क करता है। बट इसके अंदर भी सेम टू सेम अपना मोटर जैसा रहता है, इंडक्शन मोटर के जैसा इसमें भी वाइंडिंग रहता है। तो वाइंडिंग में इसका तीनों स्टार्टिंग सही बता रहा है, कॉमन रन स्टार्टअप चेक करें कनेक्टिविटी आपस में बता रहा है, इसमें पावर देने की जरूरत रहता है। पावर जो रहता है हमारा सिंगल फेस, फेस और न्यूट्रल दो ही वायर रहते हैं, बट फेस न्यूट्रल दो ही वायर रहते हैं तो ये दो वायर ही हम ओनली नहीं दे सकते रहेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। कैपेसिटर का क्या काम रहता है, ये हाई टार्क देता है, क्योंकि नॉर्मल हम अगर फेस न्यूट्रल पावर दे रहे हैं तो मैग्नेट उसके अंदर जो रहता है, वाइंडिंग के अंदर मैग्नेट जो रहता है बनता है, बट दोनों साइड से सेम ही बनता है। जब इधर से भी अगर जो दो कोई चीज है, अगर हम धागा खींच रहे हैं, अगर यहाँ से भी जो लगा रहे हैं यहाँ जोड़ रहे हैं, दोनों में ताकत सेम है तो क्या होगा, आपस में ही टकराएगा। बट एक को हमें ज्यादा ताकत देना पड़ेगा, अगर इसमें हाथ में ज्यादा ताकत है क्या करेगा, इसे धक्का देगा। इसमें अगर ताकत ज्यादा आती है धक्का देगी आगे चला जाएगा, और इसमें ज्यादा ताकत आएगा तो क्या आएगा, धक्का देगी इसको आगे लेकर चला जाएगा। उसी तरह से उसमें क्या होता है, एक उसमें अपना रिवर्स साइड में चलाने के लिए ये क्या होता है, स्टार्टिंग को ज्यादा पावर दिया जाता है कैपेसिटर के माध्यम से। कैपेसिटर क्या करता है, हाई टार्क देता है, 440 वोल्टेज का टार्क देता है, जिससे क्या होता है जो रोटेशन मैग्नेट बनता है एक साइड में ज्यादा बनता है। जब एक साइड में ज्यादा बनेगा रोटर क्या होता है, रनिंग हो जाता है, घूमने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। जब मूवमेंट होने लगेगा तो क्या होगा, फिर फेस न्यूट्रल मिलता रहेगा, अपना स्पीड पकड़ लेगा और वो रनिंग होता रहेगा, चलता रहेगा। अगर वही चीज क्या होता है, कई कंडीशन में जो कैपेसिटर का स्टार्टिंग टार्क रहता है वो नहीं मिल पाता है, जब स्टार्टिंग टार्क नहीं मिल पाएगा तो मोटर स्टार्ट नहीं लेता है और लोड लेने के होने की वजह से हूं की आवाज आता है। तो कंडीशन में अब चेक करेंगे कैपेसिटर कई बार खराब हो जाता है, कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम समझते हैं इसका वायरिंग समझ लेते हैं, मोटर का कंप्रेसर का और कंडेंसर फैन मोटर का, दो को दोनों का समझिए वायरिंग जो सेम टू सेम ही रहता है। फर्स्ट हमारा फेस न्यूट्रल हो जाता है, फेस और न्यूट्रल जो है एक न्यूट्रल जो वायर रहता है कंप्रेसर के कॉमन पे हम देते हैं, कंप्रेसर का न्यूट्रल वायर जो डायरेक्ट हम कॉमन पे दे देंगे। उसी तरह से रनिंग जो रहता है रनिंग पे हम फेस दे देते हैं, रनिंग पावर आता है इस पर हम फेस दे देंगे। और कैपेसिटर जो रहता है जो रनिंग वायर रहता है, फेस क्या करेंगे एक वायर उठाकर कैपेसिटर पर देते हैं, और कैपेसिटर से आउट जो होता है वो स्टार्टिंग बनता है। तो कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वायरिंग रहता है वो टर्मिनल है स्टार्टिंग पर हम दे देंगे। ये हमारा सीएसआर वायरिंग जो रहता है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद जैसे इसमें पावर ऑन करेंगे मशीन मोटर स्टार्ट हो जाएगा और वर्क करने लगेगा। ये सेम प्रोसेस होता है, कोई सा भी एसी हो, कोई सा भी मोटर का हो, इन्वर्टर एसी छोड़ करके नॉर्मल एसी कोई सा भी हो, नॉर्मल कोई सा भी मोटर हो, ये सेम बेस पर ही काम करता है। इसका फॉर्मूला ही है CSR। CSR आपको मालूम है, तो कहीं से भी कोई सा भी एसी आप चालू कर सकते रहेंगे, कूलिंग और कोई सा भी मोटर स्टार्ट कर सकते रहेंगे। हाँ, अलग अलग मॉडल के हिसाब से कंपनियां जो रहती हैं उसमें कुछ सेफ्टी डिवाइस ऐड कर देती हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस ऐड कर लेती हैं, बहुत से पीसीबी ऐड कर देती हैं, जिससे क्या एडवांस फीचर इसमें ऐड किया जाता है, सेफ्टी प्रोटेक्शन ऐड किया जाता है उस ऑटोमेटिक तरीके से रन कराने के लिए। बट नॉर्मली आप वो सब चाहते हैं, सिर्फ चलाना ही चाहते हैं, मशीन खराब हो गया तो सब चीज डिस्कनेक्ट करके निकाल करके डायरेक्टली आप इसे पावर दे करके चालू कर सकते रहेंगे। तो अगर आपको किस तरह से हम मोटर पे कंप्रेसर पे उस पर CSR लिखा हुआ मिट गया है नहीं मालूम है, कैसे जाने इस पर CSR वायर कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, तो उसका हमारा प्रैक्टिकली वीडियो बना हुआ है चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए तो विजिट करके देख सकते रहेंगे या कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो में, और भी हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से बता देंगे। इसी तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है हर नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।